गुड मॉर्निंग क्लास 7, आई एम योर साइंस टीचर एंड आवर टुडेज टॉपिक इज़ टू डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ यूनिट नंबर 1. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. तो इसका आंसर है पेज नंबर 2. यहाँ से वेजिटेटिव पार्ट्स के हम पहले नाम लिखेंगे. द स्टेम, रूट एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट. दे फॉर्म द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट्स. और यही आंसर कंटिन्यू है नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4 पे. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. इट मेक्स फ्रूट एंड सीड फ्रॉम विच न्यू प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर प्रोड्यूस्ड. यहाँ तक. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिस्क्राइब द स्टेम ऑफ अ प्लांट. कि अब हमने स्टेम को पूरा डिस्क्राइब करना है. सो इसका आंसर है पेज नंबर 2. द स्टेम की पूरी 2 लाइन्स यहाँ से. द स्टेम इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड. इट बियर्स लीव, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स. मतलब स्टेम क्या है, एक प्लांट का वो पार्ट है जो कि ग्राउंड के अबव ग्रो करता है, और इसके अंदर ये तमाम पार्ट्स इंक्लूडेड हैं. कमिंग टूवर्ड द थर्ड क्वेश्चन, नेम एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट. अब इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट्स. इस तरह से 3 कॉलम बनाएंगे, टैप रूट्स, फाइब्रस रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स. यहाँ पे हम लोग टैप रूट्स, फाइब्रस रूट्स और एडवेंटिशियस रूट की पूरी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे वो बुक की पेज नंबर 3 से. फ्रॉम हियर, सम रूट्स हैव वन थिक मेन रूट फ्रॉम विच द ब्रांच रूट ग्रोज. सच रूट लाइक कैरेट, रेडिश आर द टैप रूट्स. टैप रूट्स की इतनी जो 2 लाइन्स हैं वो हम लिखेंगे टैप रूट्स की यहाँ पे. फिर फाइब्रस रूट की हेडिंग देंगे और फाइब्रस रूट में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से. इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मैनी ब्रांच रूट्स ऑफ द सेम साइज ग्रो आउट एट द सेम टाइम. सच रूट आर कॉल्ड फाइब्रस रूट. देन थर्ड आ जाएगी हमारी हेडिंग एडवेंटिशियस रूट, और इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे हम यहाँ से. सम रूट्स लाइक द अनियन बल्ब ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम. दीज आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स.